हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में। ये हमारा इम्यूनोलॉजी का 10th लेक्चर है। हम इसमें मेनली पढ़ रहे हैं कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें हमने ग्रेन्युलोसाइट्स देख लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसको हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बीएससी में हैं या फिर एमएससी में हैं या फिर बायोसाइंस के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। मैं हूँ आपकी एजुकेटर नमिता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस फ्लो चार्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी हीमोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में। वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मायलोइड और लिम्फोइड सेल में। तो हम मायलोइड सेल में डिस्कस कर रहे थे आरबीसी और प्लेटलेट्स। हमने बताया था कि ये हम एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़े, जब हम ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें। मायलोइड ब्लास्ट हम कवर कर चुके हैं, इसमें हमने ग्रेन्युलोसाइट्स में ये चारों कवर कर लिए हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स। आज हम कवर करेंगे मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये तीनों मैंने बताई थी आप क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करती है। इसे एपीसी भी कहते हैं। तो आज हम इसी मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ग्रेन्युलोसाइट्स वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स हमने कवर कर लिए। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल में और लिम्फोइड सेल में, अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो। और नहीं तो वैसे हम मायलोइड प्रोजेंटियर सेल में ही मोनोब्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोनोन्यूक्लियर सेल और लिम्फोइड सेल, ये दोनों कैसी होती है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। आज हम करेंगे मोनोन्यूक्लियर सेल कवर। मोनोन्यूक्लियर सेल कैसी होती है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है, जिन्हें एपीसी कह रहे हैं, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो किसे रिप्रेजेंट करती है, डिस्प्ले करती है, एंटीजन, मतलब हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स जो कि एंटीजन को डिस्प्ले करेंगे, मतलब उनके साथ अटैच रहेंगे एंटीजन, और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा, एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। तो वो एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने की बात करेंगे, क्या करेंगे, एंटीजन की प्रोसेसिंग करेंगे। वो एंटीजन मॉलिक्यूल, फॉरेन पार्टिकल, वो पैथोजन प्रोटीन का बना हो सकता है, तो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उस प्रोटीन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे पेप्टाइड्स, और ये पेप्टाइड्स एमएससी क्लास सेकंड के साथ क्या बना लेंगी, कॉम्प्लेक्स बना लेंगी। तो क्या बन जाएगा, एमएससी और पेप्टाइड का ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये एमएससी पेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इसमें ये एमएससी क्लास सेकंड है, और साथ में ये क्या शो कर रहे हैं, एंटीजन शो कर रहे हैं, जो कि कैसा है, प्रोटीन का बना हुआ है, उसको ब्रेक कर दिया तो पेप्टाइड, ये पूरा हमारा क्या हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गई। ये डेंड्रिटिक भी हो सकती है। अभी ये भी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखे रहिए कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो हमारी तैयार हो गई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, टी सेल के साथ रिएक्ट करेगी। ये हमारा टी सेल, तो ये टी सेल में इसका टी सेल रिसेप्टर है, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगी। ये होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कौन कौन सी सेल्स होती है। तो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल, ये सेल्स क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। एंटीजन को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। अगर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हम बोल रहे हैं उसी को ब्रेक करके पढ़ लें, तो एंटीजन को प्रेजेंट डिस्प्ले करने वाली सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाती हैं। वो कौन कौन सी होती है, मोनोसाइट्स होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं और बी सेल दैट डिस्प्ले एंटीजन ऑन क्लास सेकेंड एमएससी। ये एंटीजन को क्लास सेकेंड एमएससी पर क्या करती है, डिस्प्ले करती है, प्रेजेंट करती है, उपस्थिति दर्ज कराती है कि हमारे अंदर जो भी एंटीजन आया है या एंटीजन के पार्टिकल आए हैं, उसके पार्ट्स आए हैं, उनको इन्हीं एमएससी क्लास सेकंड पर डिस्प्ले करती है। ये एमएससी क्या होता है, मेजर हिस्टो कम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसका फुल फॉर्म है। ये एमएससी मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सेल सरफेस ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, जो की सभी न्यूक्लिएटेड सेल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है वो सभी एमएससी को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। एमएससी है क्या, मेजर हिस्टो कम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ग्लाइको प्रोटीन है, सेल सरफेस ग्लाइको प्रोटीन। एमएससी मॉलिक्यूल हेल्प करता है किसके, एंटीजन के पेप्टाइड को डिस्प्ले करने, किसको दिखाएगा, अब वही ना, एंटीजन को पकड़ तो लिया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, लेकिन ये शो करा रहा है कि हाँ ये देखो ये रेड कलर का जो है ये एंटीजन है, एंटीजन कौन,
MSC, लेकिन इसको दिखाएगा किसको, या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को दिखाएगा या तो हेल्पर टी सेल को दिखाएगा या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल को, दोनों को ही ये डिस्प्ले करा सकता है एंटीजन के पेप्टाइड्स को, क्योंकि एंटीजन अगर प्रोटीन का बना है तो वो ब्रेक डाउन होकर पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, और पेप्टाइड को ही कौन डिस्प्ले करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसके थ्रू, MSC क्लास सेकंड के थ्रू। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये डेवलप कहाँ पे होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मतलब मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, बी सेल्स, ये सब डेवलप कहाँ पे हो रही, ये सब बोन मैरो में डेवलप होती है। अब फंक्शन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का फंक्शन क्या है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती है ये इम्यून सेल्स की हेटरोजेनस ग्रुप होता है, जो कि जो भी सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको मेडिएट का काम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का होता है। वो क्या करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करती है, उनकी प्रोसेसिंग करती है, और किसके थ्रू, लिम्फोसाइट्स के थ्रू इन्हीं एंटीजन को क्या कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है। तो रिकॉग्निशन कौन कर रहा है, लिम्फोसाइट्स कर रहा है, कौन, टी सेल, बी सेल, मतलब टी सेल और बी सेल ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ये पहचान करेंगे कि ये एंटीजन है, लेकिन उस एंटीजन को पकड़ के कौन ला रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ला रही है। तो पकड़ के लाने का काम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का होता है, और रिकॉग्निशन का काम किसका होता है, टी सेल और बी सेल का होता है, और इनको पकड़ के कौन लाया है, APC सेल्स लाई है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये क्या है, एंटीजन है, और इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टी सेल और बी सेल करेंगे। तो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग का काम कौन करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करती है, और रिकॉग्निशन का काम किसके थ्रू होता है, लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है, टी सेल और बी सेल्स के कारण। अब बात कर लेते हैं जो हमने फ्लो चार्ट देखा, ये हमने बोला कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में बता दिया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है। अब हम मोनोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोब्लास्ट क्या है, मोनोब्लास्ट ये माइलॉइड प्रोजेनिटर का ही एक पार्ट है। मोनोब्लास्ट जिसमें हमने माइलोब्लास्ट देख लिया था जिसमें ग्रेन्युलोसाइट्स डिवाइड हुए थे, मोनोब्लास्ट में ये मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स को डिवाइड करेंगे। तो मोनोब्लास्ट क्या है, ये एक कमिटेड प्रोजेनिटर सेल्स है जो क्या करती है, हीमेटोपोएसिस प्रोसेस के दौरान क्या करती है, डेंड्रिटिक सेल प्रिकर्सर और कमिटेड मैक्रोफेज को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, उनके काम के उनके फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगी कि कौन सी सेल्स मैक्रोफेज बनेगी और ये फंक्शन रोल प्ले करेगी, और कौन सी सेल डेंड्रिटिक सेल्स बनेंगी और ये फंक्शन और ये रोल प्ले करेंगी। मोनोब्लास्ट नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं, और ये पेरिफेरल ब्लड में नहीं दिखाई देते हैं, डू नॉट अपियर इन द नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड। मोनोन्यूक्लियर सेल की बात करें, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स दोनों को ही क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं। मोनोसाइट्स ब्लड में पाया जाता है और मैक्रोफेजेस टिश्यू में पाया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं मोनोसाइट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये फैगोसाइट होते हैं। ये मोनोसाइट्स क्या बनाते हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस सिस्टम को बनाते हैं। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं, किसी भी लार्ज या फिर स्मॉल पार्टिकल को, जो भी एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। मोनोसाइट्स होते क्या है, ये मोनोन्यूक्लियर होते हैं। ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मतलब WBC हो गए। ये कैसे दिखते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पहली बात तो एक न्यूक्लियर होता है मोनो, वो दिखता है किस शेप में, किडनी शेप में दिखता है, जैसा कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये है, ये एक इसका न्यूक्लियस, ये किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट की सबसे लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कितने पाए जाते हैं, 2-10% पाए जाते हैं ब्लड में। ये काफी मोटाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं, गतिशील हो सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू ही जो भी पैथोजन है, एंटीजन है, उसको क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहे हैं, और ये मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस सिस्टम बनाते हैं। इन्हें ग्रे ब्लू कलर से स्टेन किया जाता है। अब यही मोनोसाइट्स प्रोड्यूस किसमें होते हैं, बोन मैरो में, और ब्लड में एंटर कर जाते हैं। वहां पे 8 आवर तक क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और 8 आवर के बाद ये कहां माइग्रेट हो जाते हैं, टिश्यू में माइग्रेट हो जाते हैं। अभी तक ब्लड में थे, अब टिश्यू में चले जाते हैं, और वहां पे ये मेच्योर होते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेज में। ये मोनोसाइट्स कहाँ माइग्रेट हो गए, टिश्यू में माइग्रेट हो जाते हैं, और वहां पे ये किसमें विकसित हो जाते हैं, मैक्रोफेज में विकसित हो जाते हैं, और क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी डेड सेल्स हैं, डेब्रीज है, उनको क्या कर देते हैं,
सफाई कर देते हैं, क्लीन अप कर देते हैं, और ये तब नंबर में बढ़ जाते हैं जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। ये कब ज्यादा दिखाई देते हैं? जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ सिंपल सा है कि ये मोनोसाइट होता है ये ब्लड में, और 8R यहाँ रहेगा, देन ये मूव कर जाएगा किसमें, टिश्यू में, और क्या बन जाएगा, मैक्रोफाज बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दिया, ये माइग्रेट। तो ये था मोनोसाइट, जो कि क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस शो करता है, मोनोसाइट मैक्रोफाज सिस्टम बनाता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही लार्ज और स्मॉल पार्टिकल को इंगल्फ करता है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है, WBC होता है, सबसे लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, एक्टिव होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड में एंटर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं एट आर तक, देन माइग्रेट कर जाते हैं टिश्यू में, और मैच्योर होके क्या बन जाते हैं, मैक्रोफाज बन जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा तब दिखते हैं जब क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, तब ये नंबर में बढ़ जाते हैं, और ये टिश्यू में जाके जो भी डेड सेल्स होती है, डेब्रीज होती है, उनको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और क्लीन कर देते हैं वहाँ की जगह। तो ये था हमारा मोनोसाइट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल्स रह गया उसको कवर करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।